हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त प्रीति। जैसा कि आप देख रहे हो, आज मैं एकदम दुल्हन की तरह तैयार हूं। बहुत ही स्पेशल ओकेजन है आज। मेरे और सारांश की शादी को 5 साल कंप्लीट हो गए आज। यस, और ये वो कपड़े हैं जो मैंने मिसेस शर्मा बनने के बाद सबसे पहले डाले थे, तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना 5 साल कंप्लीट होने पे वही एक और बार कपड़े डालूं मैं। सो मैं दिखाती हूँ आज का दिन कैसा रहा मेरा और मैंने क्या क्या सारांश को सरप्राइजेस दिए। सो मैं ये बना रही हूँ डायमंड पेंटिंग, और ये उन 5 गिफ्ट्स में से है जो मैं सारांश को दूंगी एनिवर्सरी पे। एंड अगर मैं डायमंड पेंटिंग का बताऊँ तो आई विल बी ऑनेस्ट, ये मैंने कभी अपने लिए नहीं सोचा था कि मैं अपने लिए बनाऊँगी। ये मेरे ब्रदर की फर्स्ट एनिवर्सरी पे मैं चाहती थी अपने भैया भाभी को देने के लिए। पर मैं उनकी शादी में गई थी, डेफिनेटली मैं इंडिया गई थी उस टाइम पे, बट मेरे पास, मैं बहुत जल्दी वापस आ गई थी तो मुझे, मेरे पास उनकी फ़ोटोग्राफ्स नहीं थी कोई भी अकेले की, और इसके लिए फ़ोटोग्राफ चाहिए जो कि काफ़ी अच्छा रेजोल्यूशन हो और बहुत क्लियर चाहिए। सो मेरे पास एक भी नहीं थी उन दोनों के अकेले की। सो मैं उनकी फर्स्ट एनिवर्सरी पे वो गिफ्ट दे ही नहीं पाई थी, मुझे उसके बाद फोटोग्राफ्स मिली थी उनकी। सो तब से मैं, मेरे दिमाग में था ये। फिर उसके बाद काफ़ी साल बीत गए, अब मेरी 5th एनिवर्सरी है, तो मैंने सोचा वाई नॉट मैं अपनी एनिवर्सरी पे ये गिफ्ट सारांश को दूँ। सो होपफुली सारांश को आए ये पसंद। और इसका पूरा ट्यूटोरियल, डायमंड पेंटिंग कैसे करना है, क्या है, मैंने उसका पूरा ट्यूटोरियल एक अलग से वीडियो बनाई है, आप उसमें देखिएगा। सो अभी फिनिश करती हूँ, मेरी काफ़ी हद तक आप देख रहे हो फिनिश हो गई है, मेरा बस इतना सा ही पार्ट अब रहता है। मैं फटाफट फिनिश करती हूँ बिकॉज अब तो बिल्कुल ही टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम बचा है, मुझे डर भी है कि पता नहीं हो पाएगी कम्प्लीट एनिवर्सरी तक या नहीं। सो लेट्स सी, हो पाएगी। सो नेक्स्ट गिफ्ट जो मैं देने वाली हूँ सारांश को वो है डॉट पेंटिंग। ये भी एक हैंडमेड गिफ्ट है। सो आई थिंक मेरा मोस्टली सारांश को ज़्यादा हैंडमेड गिफ्ट्स ही होते हैं। सो नेक्स्ट गिफ्ट ये, मैं इसे भी फटाफट कंप्लीट कर लेती हूँ। सो सारांश के लिए 5 गिफ्ट्स देने वाली थी मैं एनिवर्सरी पे, तो मैंने 4 गिफ्ट्स का तो ऑलरेडी कर लिया इंतज़ाम, और एक गिफ्ट के लिए मुझे वो बाहर से ही लाना था, तो मैं आज बस मैं ये जा रही हूँ। बस की वेट कर रही हूँ और फिर लाती हूँ मैं 5वां गिफ्ट भी आज। सो मैं लेकर आई हूँ सारांश के लिए कॉफ़ी मग, क्योंकि सारांश को कभी बाहर जाते हैं या वैसे भी गाड़ी में बड़ा शौक है चाय पीने का, और उनका कॉफ़ी मग ख़राब हो चुका था, और टू बी ऑनेस्ट मेरे से 5वां भी हैंडमेड ही कुछ बनाना था, वो बना नहीं टाइम से। इसलिए मुझे आज लास्ट डे पे जाके लाना पड़ा, बिकॉज मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि मैं बना लूँ, कुछ ना कुछ बना लूँ, पर नहीं हो पाया। सो एक आइटम ख़रीदना पड़ा है आउट ऑफ 5, इतना तो बनता है आई गेस। होपफुली पसंद आए सारांश को ये कॉफ़ी मग। अब मैं बाकी तैयारी वापस से फटाफट करती हूँ बिकॉज मुझे केक बनाना है, और आज मैं घर पे खाना नहीं बनाने वाली हूँ, आज बाहर का ही है, तो पर मैं केक बना लूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ मैं। एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है, मैं तो तैयार हो गई पर सारांश आ गए हैं और गिफ्ट सारे बाहर रखे हैं, सरप्राइज की हो गई ऐसी तैसी। अब एटलीस्ट मैं कैमरा दूसरी साइड रखती हूँ कि एटलीस्ट मैं खुद को दिखा सकूँ, नहीं तो वो सरप्राइज भी जाएगा। क्या है? क्या है? सो सारांश वॉज सुपर हैप्पी, वो जस्ट काम से आए थे और उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट मैं सरप्राइज नहीं दिखा पाई थी बिकॉज वो ऑलरेडी बाहर देख चुके थे,
पर हैंड इम्प्रिंट मैंने सेम डे लिया था बिकॉज मैं चाहती थी वो मेमोरी हो हमारी, 5 साल कंप्लीट किए थे तो उस दिन का हमने हैंड इम्प्रिंट किया था एंड विच वॉज लाइक वेरी स्पेशल टू माई हार्ट। और मैंने जो भी हैंडमेड गिफ्ट्स बनाए वो सारे बहुत स्पेशल थे और सारे मेरे दिल के बहुत करीब है, पर मैंने ये दो जो लास्ट के लिए रखे थे वो सबसे ज़्यादा स्पेशल थे। एक हैंड इम्प्रिंट था और दूसरा हैंड कास्टिंग था। और हैंड कास्टिंग हमने सेम डे नहीं किया था बिकॉज़ हमें मैंने जैसा बताया हमें बाहर जाना था डिनर के लिए, सो वो मैंने सेम डे नहीं किया था, मैंने लेटर ऑन किया था। और ये था फर्स्ट, मैंने इसकी भी पूरी वीडियो डाली हुई है, आप वो जाके चेक करना मैंने कैसे बनाया था ये, उसमें सारा कुछ है। और जो नहीं करना, जो मैंने गलतियाँ करी है वो सब भी मैंने बताई है। तो काफ़ी अच्छे रहे वो 5 गिफ्ट और सारांश को 5ों गिफ्ट पसंद आए। देन मैंने केक, मैं घर में ही बेक कर देती हूँ तो केक घर का बना दिया था मैंने, और मैंने थर्ड को भी कट किया था, उसकी भी मैंने वीडियो डाली हुई है कि मैंने जो प्रॉपर सरप्राइज़ दिया था वो थर्ड को दिया था। और फिफ्थ को गिफ्ट्स के लिए रखा था मैंने, इसलिए मैंने फिफ्थ को बहुत ज़्यादा डेकोरेशन वगैरह भी कुछ नहीं की थी और सिंपल रखा था, हम डिनर करने भी बाहर ही गए थे। पर ओवरऑल बहुत 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 अच्छा दिन रहा, यकीन ही नहीं हो रहा कि 5 साल हो गए शादी को अभी भी, सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही पर अभी भी ऐसा लगता है जैसे लाइक 1 साल भी नहीं हुआ शादी को। मौसम आज भी बहुत अच्छा हो रखा है काफी अच्छा मौसम है, पर हमें तो रेस्टोरेंट ही जाना है तो फिर मौसम का तो कुछ भी नहीं करना, पर अभी चलते हैं। सो मेरे तो सारे गिफ्ट्स आप लोगों ने देख लिए जो मैंने सारांश को दिए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग बिकॉज आई एम नॉट श्योर, बट शायद से ये गिफ्ट मेरे लिए है बिकॉज इस पे नाम मेरा है, एड्रेस फ़ोन नंबर भी मेरा है। मेरे को डाउट इसलिए है बिकॉज हम मेरे एनिवर्सरी गिफ्ट लेने गए थे, मैंने ही पसंद किया था वो, पर हम जब स्टोर में गए तब वहाँ पे वो सोल्ड आउट था, वो मिल नहीं पाया था मुझे, तो मैं बहुत अपसेट थी सो मुझे डाउट हो रहा है कि शायद से ये वही गिफ्ट है। सो लेट्स सी, साथ खोलते हैं हम आज ये गिफ्ट। वही है यस सो ये एनिवर्सरी नोट है, थैंक यू। मैं दिखाती हूँ ये क्या है ये कपल का चार्म है। सारांश ने मुझे एक ब्रेसलेट दिया था और वो मेरे बर्थडे पे उन्होंने सरप्राइज दिया था, दो ढाई साल पुरानी बात है वो। सो मैंने सोचा था कि फिफ्थ एनिवर्सरी पे मुझे कुछ कपल रिलेटेड चार्म चाहिए, जो कि हम स्टोर पे गए और था ही नहीं वहाँ पे, तो सारांश ने मुझे ये दिया है। इसमें कपल है जो डेफिनेटली मैंने चूज़ किया हुआ था खुद बट स्टोर पे जब हम गए तब वहाँ पे मिला ही नहीं, तो मैंने तो उम्मीद छोड़ दी थी, मैंने कहा इट्स ओके अगर स्टोर पे नहीं मिला तो छोड़ो, बट मुझे नहीं पता था सारांश ने ऑर्डर कर दिया, थैंक यू। और नेक्स्ट है सो ये हमारे इनिशियल्स एस सारांश का, और एक और है इसमें पी होगा फॉर श्योर यस। सो ये है एनिवर्सरी गिफ्ट, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। मैं नंबर 5 का भी चाहती थी पर नंबर 5 पेंडोरा में मिलता ही नहीं है, आई डोंट नो वो बाकी सारे नंबर्स भेजते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट, शायद 21 था 40 था पर
फाइव था ही नहीं उसमें, पर जो भी है मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू महाराज। अभी महाराज घर पे है भी नहीं, मैं फटाफट से उन्हें कॉल करती हूँ और उन्हें बताती हूँ कि मिल चुका है मुझे गिफ्ट। सो बॉक्स के बाहर पेंडोरा का कोई साइन नहीं था, ना लिखा हुआ था पेंडोरा, तो मैं इसलिए कंफ्यूज थी। पर मैंने जैसे ही बॉक्स में खोल के पेंडोरा देखा, मैं समझ गई थी कि ये एनिवर्सरी गिफ्ट है। और ये मैं ऑलरेडी पसंद कर चुकी थी सारा कुछ, पर हमें स्टोर में जैसा मैंने बताया मिला ही नहीं था। तो ये चार्म्स हैं जो सारांश ने मुझे गिफ्ट किए थे, पी एस और कपल बना हुआ है, बहुत ही प्यारा है। पसंद आई होगी आपको आज की ये वीडियो, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करना मत भूलना, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाइए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।